एवरीवन, आपका स्वागत है एसी स्टार्टर में। देखिए, 1 से 1.5 मिनट की वीडियो रहने वाली है। अगर आप पूरी सुन लेंगे तो आपके ऑलमोस्ट डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, क्लास 11 के जो नॉन प्लान एडमिशन स्टार्ट हुए थे 2022-23 के 27 जुलाई से 3 अगस्त तक जो चले थे, अब ये सेशन तो ख़त्म हो गया है। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो सेकेंड साइकिल है दोबारा से आपके एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, कब से होने वाले हैं, लास्ट डेट क्या है, रिज़ल्ट कब आएगा, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो एडमिशन होते हैं, नॉन प्लान एडमिशन होते हैं, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, तो उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा जाता है, ठीक है। तो वो फॉर्म भरते हैं। तो मैं आपको बता दूँ इसमें कि जो फर्स्ट साइकिल थी 27 से 3 अगस्त तक चली थी, ठीक है, जो ख़त्म हो गई है। अब सेकेंड साइकिल आने वाली है 17 अगस्त से, ठीक है। 17 से चालू हो जाएगा 11 बजे, सवेरे 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और ये 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है 5 बजे तक, ठीक है। और जो बच्चे उन्हें इस साइकिल में नहीं भरा तो कोई बात नहीं, 17 से फिर से स्टार्ट होने वाले हैं। फॉर्म बनाया गया है कि कैसे फॉर्म फिल करना है स्टेप बाई स्टेप, तो वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, तो आप आराम से फील कर लेना। और देखिए, जो फर्स्ट साइकिल था इसका रिज़ल्ट जो है 10 अगस्त को आएगा, ठीक है। रिज़ल्ट कैसे देखना है इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो सेकंड साइकिल का है उसका जो है रिज़ल्ट 1 जो है सितंबर में आएगा, ठीक है, 1 तारीख को आ जाएगा। और जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट साइकिल की, तो 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, 20 अगस्त तक चलेगी। जो सेकंड साइकिल है उसका जो है 2 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगा। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी जिससे कि आपके डाउट भी क्लियर हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। क्योंकि तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी सर्कुलर आते हैं, या CBSE से या स्कूल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कॉम्पिटिशन होते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई जाती है जिससे कि आप अवेयर हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, जो रिज़ल्ट है ना वो आपका इसी वेबसाइट पे आएगा, ठीक है, और यहीं ऑप्शन आ जाएगा अलॉटमेंट रिज़ल्ट। और कैसा दिखता है लिंक मैं आपको दिखा दूं, जैसे आप देख रहे हैं स्टेटस ऑफ स्कूल अलॉटमेंट, ये क्लास 6 to 9 का था, जैसे ऐसी जो है क्लास 11 का भी जो है यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा अलॉटमेंट रिज़ल्ट का। तो आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंफॉर्मेशन मांगेगा, ये आपको डालनी है। तो जोन से भी आपके स्कूल में आया होगा ना, वो स्कूल आपके सामने आ जाएगा, फिर आपको वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, फिर आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।